नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दो दिनों से सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया कि किसानों को दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन किसान ये मानने को तैयार नहीं और अपना राशन पानी लेकर बैठे हुए हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम मौजूद हैं इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर, जहां पर हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो पंजाब से कूच करके दिल्ली आए हैं और उनकी मांग है कि सरकार ने जो अध्यादेश, जो कानून, जो तीन कानून बनाए हैं उनको वापस ले। और जो किसान जो लगातार यहां पर डटे हुए हैं, हालांकि उन्हें बुराड़ी आने के लिए कहा गया है, बुराड़ी जाने के लिए इजाज़त दे दी गई है। वो 8 हफ्ते से पंजाब में मौजूद थे और जब पंजाब में उनकी बातें नहीं सुनी गई, उन्होंने सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने भी सरकार की तरफ से उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, तो ऐसे में उन्होंने आखिरी रास्ता जो है वो दिल्ली कूच करने का सोचा। और ऐसे में जो इजाज़त है उनको नहीं दी गई थी बॉर्डर से जाने की, बॉर्डर पार करने की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बॉर्डर पार कर दिया। तमाम उन परेशानियां उनके सामने आई, लेकिन वो डटे रहे। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ किसान मौजूद है और अब जो, क्योंकि वो पूरी तरफ से कह रहे हैं कि ये वो 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लंगर यहाँ पर लगे हुए हैं, खाना खाया जा रहा है, सड़कों पर बैठ के जो अन्नदाता जो खेत पर बैठ के खेत में मेहनत करके लगातार फसलें उगाता है, वो अब यहाँ पर सड़कों पर बैठकर यहाँ खाने के लिए मजबूर है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस मौजूद है और ट्रकों में जो खाना आया है, पानी आया है, वो यहाँ पर मौजूद है। सड़कों पर ही उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया है और वहीं पर सारा खाना पीने का सामान है। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि कैसे वो बैठकर यहाँ पर, क्योंकि इतने दिनों से वो अपने घरों से निकले हुए हैं और उनकी मांग है कि सरकार ये कानून जो उन्होंने पास किया है वो वापस ले, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। ऐसे में किसान भी नहीं चाहते कि उनकी जो मांग है वो इससे पीछे हटे। और क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि इतने दिन हो गए हैं, 8 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये किसान जो कि खेत में हमारे लिए अन्नदाता, हमारा जो हमारे लिए खाने पीने का, खाने का जो फसलें उगाता है, हम तक खाना पहुंचाता है, वो आज सड़कों पर आने को मजबूर हो गया है क्योंकि सरकार जो है उनकी मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप यहाँ पर संख्या देख सकते हैं, ना सिर्फ यहाँ पर एक उम्र के बल्कि हर उम्र के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बुजुर्ग, जो कि इस वक्त जिनको घरों में होना चाहिए, कोरोना का वक्त है, वो सड़कों पर उतरने को यहाँ पे मजबूर हो गए हैं और उसके बावजूद भी उनकी बातें जो है, जो उनकी मांग है वो नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सरकार बात करने की कोशिश करेगी या फिर किसान जो है उनका जो कूच जो कि दिल्ली तक आ चुका है और कितना आगे जाएगा, क्योंकि उनकी मांग यही है कि वो रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर ही जाएंगे। कैमरा पर्सन DP यादव के साथ पूजा मिश्रा की रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।